हेलो फूडीज, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हमने बहुत ही ज्यादा इजी और टेस्टी सी सैंडविच बनाएंगे। हम आज बनाएंगे वो है चीज मेयो सैंडविच। एकदम इजी है एंड सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। और अभी तक आपने माय लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और चलिए हम अभी जान लेते कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर है चीज मेयो सैंडविच के लिए। तो बेसिक यहाँ पर हमने ब्रेड लिया हुआ है, फिर बॉयल किए हुए कॉर्न है, कैप्सिकम, हरी मिर्च, धनिया है, और यहाँ पर साथ में मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, और यहाँ पर मोज़रेला चीज लिया हुआ है मैंने। आप चाहे तो अपने पसंद का चीज ले सकते हैं। फिर बटर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है मेयोनीज। फिर यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, ओरिगानो है, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड नमक। तो आइए हम फर्स्ट है ना वो स्टफिंग बना लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना ये सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ले लेंगे हमारे कटे हुए कैप्सिकम। आप चाहे तो है ना वो कलर वाले भी ले सकते, यानी रेड है, फिर जो येलो वाले आते हैं वो, तो आप अपने मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं। फिर हम साथ में डाल देंगे बॉइल्ड कॉर्न। फिर साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे ये हरी मिर्च। वो आप जितना भी तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में आप हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे तो आप वो भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम डाल देंगे प्याज और हरी धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा मेयोनीज है वो। तो ये मैंने एक बड़ा सा कप ये मेयोनीज का लिया है। अब साथ में हम इसमें मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, हल्का सा हमें डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, वो भी हमें थोड़ा सा ही डालना है। अब साथ में डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स आप अपने जितना भी तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिए। फिर साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे ओरिगानो। और अब हम इसे अच्छा से एक मिक्स दे देंगे। तो स्टफिंग हमारा रेडी है, हम इसे एक साइड रख देंगे। और अब हम है ना हमारे ब्रेड पर बटर अच्छे से लगाकर उसके बाद में हम इसके ऊपर हम हमारा स्टफिंग रख के फिर हम इसे तवे पर अच्छे से सेक लेंगे। तो फर्स्ट हम इसके ऊपर है ना वो बटर लगा देते हैं। तो एक ब्रेड ले लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्का सा बटर लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर स्टफिंग लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्टफिंग और अच्छे से फैला लेंगे। हम अच्छे से सारी ओर हमें इसे लगाना है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा ये चीज ग्रेट किया हुआ। तो अब इसके ऊपर हम वापस से एक अच्छा से पैक कर देंगे और ब्रेड रख देंगे। इसके ऊपर हम ब्रेड पर अच्छे से वापस से इस पर भी बटर लगा देंगे।
और हम इसे अच्छे से ऐसे दबा देंगे और ऐसे ही हम है ना हमारी सारी ब्रेड को तैयार कर लेंगे यानी सैंडविच को। तो ये सारी सैंडविच मैंने अच्छे से स्टफ कर दिया है। टोटल हमारी यहाँ पर 6 है ना वो सैंडविच बनी हुई है। मैंने अच्छे से मसाला उसमें जो स्टफिंग है वो लगाया था, फिर भी 6 बनी, यानी आप थोड़ा सा मसाला बच गया है। एंड आप चाहे तो इसमें है ना लेयर भी बना सकते हैं कि आप इसमें 2 लेयर बनाए या फिर 3 रखकर भी बना सकते हैं। तो ये बन चुकी है, अभी से हम तवे पर सेक लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फिर मेरा पैन गरम हो गया है, अब इसमें है ना हम बटर डाल के फिर हमारी सैंडविच को हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। इस पर मैं मेरी सैंडविच रख देती हूँ। तो ये हमें अच्छे से दोनों तरफ से है ना गोल्डन कर लेनी है। तो ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारी है ना वो तवे पर सेक लेंगे। तो ये भी अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, इसे भी मैं निकाल लूंगी और ऐसे ही हम सारी है ना वो अच्छे से तवे पर सेक लेंगे। आप चाहे तो टोस्टर में भी बना सकते हैं। तो मैंने सारी सैंडविच है ना तवे पर अच्छे से टोस्ट कर ली, आप देख सकते हैं। मैं एक ओपन करके आपको दिखाती हूँ पूरा, आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से चीज भी मेल्ट हो गया है और मेयोनीज का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो तैयार है हमारा चीज मेयो सैंडविच। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और माई लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।